हेलो, वेलकम बैक। तो चलो और एमसीयूज कर लें थोड़े, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के। और इस पार्ट को हमने थोड़ा वर्सेटाइल रखा है ताकि आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। ऑलराइट, तो एन ऑब्लीक असिम्प्टोट टू द कर्व। अब ऑब्लीक असिम्प्टोट क्या होता है बच्चों? हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट तो देख लिए। वर्टिकल का मतलब होता है कि ऐसे कोई असिम्प्टोट आ रहा है वो इस लाइन को कभी ना इस लाइन को कभी मैच करेगा ना इसको कभी मैच करेगा। हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट होते हैं कि ऐसे जा रहा है कभी एक्सिस को मैच नहीं करेगा। तो वर्टिकल से इसका क्या मतलब है? वर्टिकल का मतलब एक ही हो सकता है कि एक वर्टिकल। अब एक ऑब्लीक का क्या मतलब है? ऑब्लीक से सिर्फ एक मतलब हो सकता है कि ऐसे कोई लाइन जा रही है और कोई असिम्प्टोट ऐसे आया कि इसको मैच ना करे। इन्फिनिटी पे टेंड टू इन्फिनिटी हो रहा है, तो अब इसका असिम्प्टोट ढूंढना है टू द कर्व। अब ये असिम्प्टोट है हमारा। अब इस कर्व का असिम्प्टोट टेंजेंट ही है इन्फिनिटी पे। अगर हम लेके चले, अगर हम एक्स को यहाँ पे वाई का फंक्शन है तो एक्स को टेंड टू इन्फिनिटी कर दे, तो इन्फिनिटी पे हम ये सपोज करते हैं कि इसका एक ये टेंजेंट है ना। तो अब ये टेंजेंट की हमें क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो पहले मैं इसकी स्लोप निकाल लूं, डेरिवेटिव कर लूं पहले का एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। तो अगर मैंने वो किया तो वाई को बेसिकली हमने माना हुआ है एक्स प्लस ई रिस्ट पावर माइनस एक्स साइन एक्स टेन अपॉन एक्स। तो ये मेरे पास डेरिवेटिव आ जाएगा बेसिकली। तो इससे हम इसकी स्लोप निकालेंगे। अब इसकी स्लोप अगर की मैंने तो ये वन प्लस ई रिस्ट पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स। तो ये किस फॉर्म में? 0/0। तो इसका हम निकाल लेंगे बेसिकली, जीरो डेरिवेटिव कर लेंगे। तो ये तो वन था, इसको तो रहने देते हैं। ये 0/0 फॉर्म में आ रही है तो इसका एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। ऊपर हमारे पास है साइन एक्स, नीचे मेरे पास है ई की पावर एक्स एक्स। तो इसका जब मैंने एल हॉस्पिटल रूल किया तो बेसिकली ये मेरे पास साइन एक्स बाय कॉस एक्स बाय ई एक्स आ गया। तो यहाँ पे इसके साथ वन लगा हुआ था पहले ही, है ना। तो अब इसका मेरे पास क्या आएगी वैल्यू? इसकी वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी। तो 1 + 0 क्या होता है? बिकॉज ई रिस्ट टू पावर इन्फिनिटी है ना, ई रिस्ट टू पावर इन्फिनिटी कर दो आप तो क्या आपके पास ई रिस्ट टू पावर 0 है, सॉरी इन एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है। ई रिस्ट पावर इन्फिनिटी एक बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू के साथ अगर आप साइन एक्स नीचे ऊपर रखा हुआ है तो आपके पास क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो 1 + 0, तो यहाँ पे m की वैल्यू तो मेरे पास 0 हो जाए, m की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। तो इसी तरीके से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, तो अब हम z की वैल्यू भी निकाल देंगे। तो c क्या आएगा मेरे पास? y माइनस एम एक्स, y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू सी है ना। और y की वैल्यू फिर से वही फंक्शन x प्लस साइन एक्स, और m की वैल्यू 1 थी तो y माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे वो मेरे पास इसका 1 आ रहा था पूरे का, तो यहाँ पे डेरिवेटिव मेरे पास 1 आएगा। माइनस ऑफ 1 एक्स का भी करेंगे, -1 एक्स था ये -1, तो सी कैसे आएगा मेरे पास? 0। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या थी मेरे पास? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वाई इज इक्वल टू एम की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0 और यहाँ पे एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारे पास उस असिम्प्टोट की इक्वेशन आ गई। बस क्या करना था, हमने डेरिवेटिव m और x की c की वैल्यू निकाल दी थी तो हमारे पास, और y की वैल्यू तो हमें दी हुई थी कर्व की। तो मेरा आंसर y इज इक्वल टू एक्स, b इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, द फंक्शन एफ एक्स 1 - cos 10x बाई एक्स स्क्वेयर, 1 - cos 10x बाई एक्स स्क्वेयर क्या दे रखा है? इक्वल टू एम एट एक्स इज इक्वल टू 0। कंटिन्यूअस, वैसे तो 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है बिकॉज कॉस 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होता है, 1 - 1 0 अपॉन 0 स्क्वेयर। 0/0 फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल, माइनस ऑफ साइन 10x डॉट 10 अपॉन 2x, स्टिल 0/0। एल हॉस्पिटल रूल सिखाया आपको, जहां भी 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, एल हॉस्पिटल रूल सिंपल सा। फिर से प्लस कॉस ऑफ 10x डॉट 10 इंटू 10 100 अपॉन 2, ये 2 से 1 50 हो गया, कॉस ऑफ 0 1, तो यहाँ पे आ गया 50। अब लिमिट एग्जिस्ट कर गई है हमारी और m के इक्वल है, तो m की वैल्यू कितनी आएगी? 50। तो जब भी आपको लिमिट एग्जिस्ट करवानी है, जब तक 0/0 आ रहा है ना आपका, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है, तो उसको बेसिकली क्या करना है हमने? उसको हमने डेरिवेटिव एल हॉस्पिटल रूल से अकेले अकेले अलग अलग डेरिवेटिव, बहुत ही सिंपल। तो हम ये नीचे वाली इक्वेशन पे तो गए भी नहीं, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी बेसिकली मुझे।
द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ 2x प्लस कोसीकेंट ऑफ 2x इज डिसकंटिन्यूअस। अब इसको देखो, सीकेंट ऑफ 2x एंड प्लस कोसीकेंट ऑफ 2x कहां पे होना चाहिए ये जीरो, अगर यहां पे 1/0 कभी बनता हो। बट ये तो मेरे को नहीं पता कि नॉट डिफाइंड कहां पे होते हैं सीकेंट x और कोसीकेंट x, इसको थोड़ा याद करना मुश्किल है। सीकेंट x को क्या कर लूं, 1/cos 2x कर दूं, कोसीकेंट को क्या लिख लूं, 1/sin 2x लिख दूं, इजी हो गया ना। अब तो ये चेक कर सकता हूँ ये जीरो कहाँ आता है और ये जीरो, कॉस टू एक्स कहाँ जीरो होगा, जब भी कॉस टू एक्स की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय टू या उसके मल्टीपल में, इसका मतलब 2n+1 पाई बाय फोर, ये 2x मस्ट बी इसके इक्वल या फिर x मस्ट बी पाई बाय फोर। और ये रिपीट कब करेगा अपने आप को, ये रिपीट करेगा अपने आप को 2n+1 के टाइम पे। ओके, तो 2n+1 पाई बाई 4, ये तो आ गया हमारे लिए cos 2x का। sin 2x का देख लेते हैं, जहां पे n की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 जो भी है ना, बेसिकली cos x यहां पे और यहां पे 0 होता है ना, तो cos 2x पाई बाय 4 हो गया, ये पाई बाय 2 था x, तो x पाई बाय 4 होगा, तो ये 2n+1 हमने साथ में लगा दिया। sin यहां पे और यहां पे 0 होता है n पाई पे, तो यहां पे क्या आएगा साइन के लिए, एक्स इज इक्वल टू एन पाई बाय टू। तो अब देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन, यहां तो 2n+1 पाई बाय 4 या एन पाई बाय 2, अब इनको यूनियनाइज करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है कहीं ना, एन पाई बाय 2, एन पाई बाय 4, 2n+π/4 दोनों चीजें चाहिए थी मेरे को, तो कौन सा ये आ रहा है एन पाई बाय 4, दोनों को हम इकट्ठा कर दे तो, बिकॉज जीरो पे 1 पे पाई बाय 4 हो गया, 2 पे पाई बाय 2 हो गया है ना, तो दोनों यहां पे 0 तो बन रहे हैं, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पे बच्चों 2 फैक्टोरियल आएगा, डबल डेरिवेटिव, सिंगल के सामने 1 है, डबल के नीचे 2, ऐसे ही ट्रिपल के नीचे 3 फैक्टोरियल। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोला है, देन द वैल्यू ऑफ, अच्छा अभी पिछली वीडियो में, जिसने पिछली वीडियो नहीं चेक की उसकी मैंने बेसिकली एक ट्रिक बताई थी आपको, यहाँ पे लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एन की वैल्यू 2 लेके चलते हैं, तो देखते हैं जब एन इक्वल टू 2 होगा तो बेसिकली एन अप टिल 2 के लिए क्या बनेगा, डबल डेरिवेटिव की तो बात तो 0 हो जाएगा, तो एफ एट 1 माइनस एफ सिंगल डेरिवेटिव एट 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डेरिवेटिव एट 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आएगी बच्चों, एक्स स्क्वायर था, यहां पे एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, यहां पे माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 2, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस 2। ओके, तो एज पर आंसर 0 आना चाहिए, 1 माइनस 2 प्लस 1 0, नन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा अब देखो, अगर इसने हमारे पास यहाँ पे एक ट्रिक खेल जाता है, यहाँ पे प्लस होता सारा, सब प्लस हो जाता, तो यहाँ पे मेरे पास ये भी प्लस आएगा है ना, तो ये 1 हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना बना मेरे पास, 4 बना, जिसको मैं 2 की स्केयर लिख सकता हूँ, और n भी मैंने 2 लिया हुआ था, तो अगर ये प्लस वाले होते तो 2 की पावर n होता मेरे पास करेक्ट, तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर इफ एंड ओनली इफ यहाँ क्वेश्चन में आपको प्लस दिया होता कि एफ एट 1 प्लस एफ फर्स्ट डेरिवेटिव बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एफ सेकंड प्लस एफ थर्ड डेरिवेटिव एट 1, तो ऐसे अगर करते तो 2/n आता। तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो घबराना नहीं है, हमेशा n की आपने एक आर्बिट्ररी कोई भी वैल्यू ले लेनी है, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, आपकी मर्जी, थोड़ी सी बड़ी लेना, 2 मत रखना, 3 1 मत रखना, बेसिकली सिंगल डेरिवेटिव तक, तो डबल डेरिवेटिव तक तो चेक कर लिया करो, या ट्रिपल डेरिवेटिव इफ यू वांट टू बी सो श्योर कि n की 2, 3 दोनों में से कोई एक वैल्यू ले लो तो आंसर सही आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अभी डेरिवेटिव है ये f डेरिवेटिव x, इफ एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स आर पॉलिनोमियल्स ऑफ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 2 एंड एफ एक्स गिवन है, तो अगर एफ एक्स जी एक्स और पॉलिनोमियल 2 डिग्री के हैं, मतलब एक्स स्क्वायर है इनके बीच में कहीं पे भी, तो मेरे को पता है जब तक मैं डबल डेरिवेटिव करूंगा तो ये 0 बनने की आशा है इनकी डबल डेरिवेटिव पे, डबल डेरिवेटिव के बाद अगर एक्स स्क्वायर होता है, सिंगल डेरिवेटिव किया 2x
डबल डेरिवेटिव किया, टू आ गया, ट्रिपल डेरिवेटिव किया, तो ट्रिपल डेरिवेटिव पे तो जीरो आएगा ना, तो एफ ट्रिपल डेरिवेटिव देख लेते हैं इसका क्या बनता है। अगर क्वेश्चन में आपसे ट्रिपल डेरिवेटिव, एफ इनवर्स एक्स नहीं, आपसे एफ का ट्रिपल डेरिवेटिव पूछा है उन्होंने, तो चलो करते हैं। अब जैसे डिटर्मिनेंट है ना, इसका डेरिवेटिव करने का फंडा पता क्या है? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना है सिंगल 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 का डेरिवेटिव, पहले आपको फर्स्ट लाइन का डेरिवेटिव, फिर आपको सेकेंड रो का डेरिवेटिव, फिर आपको थर्ड रो का डेरिवेटिव। तो ये मेरे पास क्या बनेगा? ये मेरे पास सबसे पहले बना एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, जी डेरिवेटिव ऑफ एक्स एंड एच डेरिवेटिव ऑफ एक्स, बाकी दोनों लाइंस दोनों रोज ऐसे ही, एफ डेरिवेटिव एक्स, जी डेरिवेटिव एक्स एंड एच डेरिवेटिव एक्स, और नीचे वाली लाइन सेम, तो ये दोनों सेम आ गई है ना। अच्छा पहले पूरा कर लेते हैं, तो फर्स्ट रो डेरिवेटिव किया हमने पहले, फिर सेक फर्स्ट रो ऐसे ही, एफ एक्स ऐसे ही, जी एक्स एंड एच एक्स ऐसे ही रहेगा, और क्या आएगा नीचे सेकंड रो डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, एफ डबल डेरिवेटिव एक्स ऐसे ही, जी डबल डेरिवेटिव एक्स एंड एच डबल डेरिवेटिव एक्स, और ये सेकंड रो थर्ड रो से मैच कर जाएगी। अब जो स्मार्ट बच्चे हैं उनको तो समझ लग गया कि मैं कहाँ हिंट कर रहा हूं मैचिंग के साथ, कि ये डिटर्मिनेंट भी जीरो है बिकॉज ये पहली और सेकेंड रो, बिकॉज हमने फर्स्ट टाइम जब डेरिवेटिव करना है पूरे एफ एक्स का, पूरे फंक्शन का, तो फर्स्ट रो को पहले डेरिवेटिव करेंगे, फिर सेकंड रो का डेरिवेटिव करेंगे, फिर एंड में थर्ड रो का डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट का डेरिवेटिव करने से ये सेकंड से मैच हुई, सेकंड का डेरिवेटिव करने से थर्ड से मैच हुई, और लास्ट थर्ड वाली में तो ऊपर वाली दो ऐसे ही छोड़ो, थर्ड वाली के तो नीचे ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाएंगे। अब हमें पता है कि जब एक्स 2 डिग्री का है पॉलिनोमियल, तो ट्रिपल डेरिवेटिव पे ये जीरो ही आंसर देगा, तो यहां पे भी डिटर्मिनेंट जीरो, यहां पे ये दोनों मैच कर रही थी, डिटर्मिनेंट जीरो और इससे पहले यहां पे ये फर्स्ट टू मैच कर रही थी और डिटर्मिनेंट जीरो, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो टोटल में अपने पास जीरो, तो इतना इजी था, देख के आंसर होता है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बट समझाना तो है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू सीकेंट एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर, वेयर एफ डेरिवेटिव वन, वेर एफ डेरिवेटिव एट वन इज इक्वल टू जी डेरिवेटिव एट रूट टू इज इक्वल टू फोर। तो टेन एक्स दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू सीकेंट एक्स करना है, तो इसका क्या है, पहले तो यू वाई वी कर सकते हैं, टेन एक्स को कर लेते हैं हम, एफ ऑफ एक्स को टेन एक्स को हम कर लेते हैं सीकेंट एक्स एक्स के साथ, तो ये आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट एक्स का कर लेते हैं हम फिर से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ सीकेंट एक्स एट, अब मेरे को क्या बोला है इन्होंने, बेसिकली टेन एक्स इसको एफ ऑफ टेन एक्स को यू ले लूं, और वी को मैं मान लेता हूं जी ऑफ सीकेंट एक्स, तो यू है मेरे पास एफ ऑफ टेन एक्स, या सो यू है मेरे पास एफ ऑफ टेन एक्स। तो अब इसको मैं क्या निकालना, इसका मैं क्या निकालना चाहता हूँ डेरिवेटिव, तो डी यू बाय डी एक्स, डी वी बाय डी एक्स, एफ ऑफ टेन एक्स का मैं डेरिवेटिव करूं तो मेरे पास एफ डेरिवेटिव टेन एक्स डॉट टेन एक्स का डेरिवेटिव, पहले फंक्शन का फिर फंक्शन के अंदर का डेरिवेटिव है ना, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टेन एक्स का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है ना, नीचे डी एक्स था, अब उसको मैं स्किप कर रहा हूँ स्टेप को, डी वी बाई डी एक्स, जी एक्स का क्या आ जाएगा मेरे पास जी डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स डॉट सीकेंट एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, सीकेंट एक्स टेन एक्स होता है कि नहीं होता है ना, तो ये एक सीकेंट और एक ये स्क्वायर कैंसिल। अब एफ पाई बाय, अब पाई बाय फोर पे पूछा है मेरे से, मुझे वैल्यू क्या दी गई है इसकी पाई बाय फोर, और मेरे पास ये वैल्यूज भी है एफ डेरिवेटिव वन एंड जी डेरिवेटिव रूट टू इज इक्वल टू फोर, तो अब मैं इसी चीज को यूज करूंगा यहां पे, तो एफ डेरिवेटिव टेन एक्स, टेन की यहां पे वैल्यू अगर मैं पाई बाय फोर डालूं तो ये मेरे पास वन आ जाएगा, तो एफ डेरिवेटिव वन अपॉन पाई बाय फोर अगर सीकेंड की डाली तो रूट टू, जी डेरिवेटिव रूट टू। अब ये दोनों तो इक्वल हैं एक दूसरे के फोर के, तो ये दोनों को कट कर देता हूं, सीकेंट एक्स फिर से रूट टू बाय वन, तो रूट टू ही मेरा आंसर आएगा। अब देखो रूट टू कहां दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इतना इजी क्वेश्चन है।
तो जब यार इजी क्वेश्चन आते हैं ना, टोन अपने आप ही बदल जाती है। अब देखो जब डिफिकल्ट आता है तो मैं भी फास्ट बोलने लगता हूँ, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। जब इजी क्वेश्चन है हमारी भी टोन बदल जाती है। तो काफी इजी क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे एफ एक्स है, एफ डेरिवेटिव एक्स, इफ जी इज द इनवर्स ऑफ एफ एंड एफ डेरिवेटिव एक्स इज साइन एक्स देन जी डेरिवेटिव एक्स इज। तो एफ अगर इनवर्स ऑफ जी है तो मैं अगर एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन मानूं, एफ एक्स एक फंक्शन मान लिया मैंने और एक फंक्शन मान लिया मैंने जी एक्स, ठीक है। तो जी इज इनवर्स ऑफ एफ, तो अगर मैं एफ ऑफ जी लूं एक्स तो ये मेरे पास क्या देगा, एफ ऑफ जी एक्स मेरे पास फिर से एक्स आ जाएगा, है ना, बिकॉज इनवर्स फंक्शन है फॉग एक्स के इक्वल। तो इसका क्या मतलब, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। इसका अब मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल लूं, डी वाई बाई डी एक्स ले लेते हैं बेसिकली। एफ डेरिवेटिव इसका डी वाई बाई डी एक्स जब किया मैंने, दो साइड डेरिवेटिव लिया, तो एफ डेरिवेटिव बीच वाला फंक्शन ऐसे ही जी एक्स, फिर मल्टीप्लाई बाय अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जी डेरिवेटिव एक्स। यहां पे क्या आएगा मेरे पास, वन, एक्स का डेरिवेटिव वन। तो अब मैं क्या करूं, एफ डेरिवेटिव जी एक्स को नीचे ले जाऊं, तो जी डेरिवेटिव एक्स मेरे पास आया वन बाय एफ डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। अब मेरे को एफ डेरिवेटिव एक्स की वैल्यू दी हुई है उन्होंने क्वेश्चन में, जो कि कितनी है, साइन एक्स है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसी चीज को मैं जी एक्स को दोबारा क्या लिख सकता हूं, जी डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू एफ डेरिवेटिव का वैल्यू साइन एक्स है और इसके अंदर जी एक्स दिया, तो मैं वन बाय साइन ऑफ जी एक्स, ये मेरा आंसर है। अगर यहां पे कहीं जी एक्स नहीं कोसेकेंट एक्स दिया तो उसको बस रेसिप्रोकली किया है, तो देखो आंसर है कोसेकेंट ऑफ जी एक्स, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, इफ वाई इज इक्वल टू, पहले तो इस इक्वेशन को लिखूं, तुम पहले ही घबरा जाओगे इक्वेशन देख के, एक्स बाय एन की पावर एन एक्स वन प्लस लॉग एक्स बाय एन देन वाई डेरिवेटिव एन इज। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी x है, इसकी पावर में भी x है, यहाँ पे भी x, अच्छा मेरा x और n सेम सा लग रहा है, यहाँ पे भी x है, क्या करें, इसको नीचे तो लाना पड़ेगा भाई, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और वो कैसे लेके आते हैं, लॉग से लेके आते हैं, तो दोनों साइड लॉग ले लें, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू एन एक्स लॉग ऑफ एक्स बाई एन, बेसिकली लॉग 2 की पावर 2, तो 2 लॉग 2 हो जाता है ना वो, तो मैं बेसिकली ऐसे ही लिख रहा हूँ एक्स की एन और ये साथ में वन प्लस लॉग ऑफ एक्स की पावर एन। तो अब इसको ए मानो, इसको बी, तो ये काइंड ऑफ लॉग ए इंटू बी है, उसको मैं क्या लॉग ए प्लस लॉग बी भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं, तो ये मेरे पास लॉग वाई इज इक्वल टू एन एक्स लॉग एक्स बाय एन प्लस लॉग ऑफ प्लस लॉग ऑफ वन प्लस लॉग एक्स बाय एन हो गया। कितना इजी है डेरिवेटिव निकालना, यहां पे वन बाय वाई हो जाएगा इंटू डी वाई बाय डी एक्स, वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, फिर ये पूरा डेरिवेटिव निकाल लोगे, काफी इजी स्टेप हो गया। और इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, इट वुड बी एट द एंड एन स्क्वायर प्लस वन बाय एन। सो डेरिवेटिव निकालना है बेसिकली, वो तो निकल ही जाएगा, तो एन स्क्वायर प्लस वन बाय एन, तो ये इसका आंसर रहेगा एन स्क्वायर प्लस वन बाय होल एन। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेन एक्स देन वैल्यू ऑफ एफ डेरिवेटिव एक्स, बहुत इजी है भाई, डेरिवेटिव करना है दोनों साइड पे, वन बाय रूट ऑफ टेन एक्स, चेन रूल लगाना है, फिर रूट टेन एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव, जो फिर से क्या होगा वन बाय रूट ऑफ टेन एक्स, फिर उसके बाद अंदर वाले टेन एक्स का डेरिवेटिव जो ऊपर आके सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये वन बाय टू टेन एक्स बाय सीकेंट स्क्वायर एक्स होगा। पाई बाय फोर पे ये रूट टू होता है, रूट टू इन टू रूट टू, टू आ जाएगा, नीचे भी टू है, टू टू सा वन हो जाएगा, ऑप्शन बी पे ताला लग जाएगा, कितना ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट वाई बी ए फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट लॉग एक्स प्लस वाई माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो देन वाई एट डेरिवेटिव एट जीरो। अब उन्होंने बोला है y x का फंक्शन है, तो अगर मैं x की वैल्यू जीरो लूं तो मेरे को y की वैल्यू पता लग जाएगी क्या आएगी, तो x को जीरो पुट करके एक y की वैल्यू निकाल के देखते हैं पहले। तो ये मेरे पास क्या बना, log ऑफ x जीरो प्लस y
वाई इज इक्वल माइनस टू इंटू जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो, लॉग वाई इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इसको उस साइड ले जाऊं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो वाई इज इक्वल टू ई की पावर जीरो, यही होगा। तो इसका मतलब क्या है, ई की पावर जीरो, किसी की पावर भी जीरो होती है तो वो वन होता है। तो अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो है, वाई इज इक्वल टू वन आ जाएगा। तो अब इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए मैं आगे इसका दोबारा से डेरिवेटिव करता हूँ, वाई डेरिवेटिव ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू जीरो है, log x प्लस वाई का डेरिवेटिव वन प्लस एक्स प्लस वाई, है ना। ऊपर जाके डेरिवेटिव किया तो ये क्या आएगा, वन माइनस डी वाई बाय डी एक्स, इसका दोबारा से डेरिवेटिव तो करना है ना, माइनस ऑफ टू वाई माइनस ऑफ टू एक्स वाई का एक डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। यहां तक तो आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं। तो इसको अब आगे देखें। अब यहां पे हम dy बाय dx की वैल्यू डाल दें, dy बाय dx की वैल्यू निकालनी हमने, x की वैल्यू ले लेते हैं, y 1 है x 0 है, तो 0 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है, 1 माइनस dy बाय dx, y की वैल्यू फिर से क्या है, 2 है, 1 है, 2 इंटू 1, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो ये हमारे पास फिर से 0 आ गया। तो मेरे पास क्या बचा, 1 माइनस dy बाय dx माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स इज, आई एम लेफ्ट विद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो दिस इज द राइट आंसर। सो सॉरी, यहां पे प्लस वन आएगा, तो इलेवंथ का बी ऑप्शन इज द राइट। एक कैलकुलेशन मिस्टेक होगी बेसिकली छोटी सी, बट द राइट आंसर वुड बी प्लस वन। ओके या सो द आंसर वुड बी प्लस वन। क्वेश्चन नंबर 12, इफ एक्स कॉस वाई प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू पाई, देन वाई डेरिवेटिव एट जीरो। फिर से इजी है, डेरिवेटिव निकालना है, इनका डेरिवेटिव कर दो, पहले वाले का क्या आएगा, अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करने चलूं तो मेरे पास ये माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस कॉस वाई और आगे माइनस वाई साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और प्लस एक कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो आपने ऐसे क्वेश्चंस में क्या ध्यान देना है कि आपका चेन रूल एकदम पिच परफेक्ट है। पहली टर्म को लो, हड़बड़ा मत करना, पहली टर्म को लो उसे सॉल्व करो, नेक्स्ट टर्म को लो उसे सॉल्व करो। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है हमें, पाई था तो उधर जीरो आ जाएगा। तो यहां से अब y एट जीरो की वैल्यू निकल जाएगी, y डेरिवेटिव एट जीरो, जहां पे y डेरिवेटिव दिया है वहां पे जीरो डाल दो, तो आपके पास y एट जीरो की वैल्यू पाई आ जानी चाहिए, पाई इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, वेयर p इज द कॉन्स्टेंट। अच्छा, यहां पे भी हमें ट्रिपल डेरिवेटिव करना है बेसिकली, तो हमें ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। क्या बोला गया है, अब देखो ये पॉलिनोमियल्स कौन से हैं, पॉलिनोमियल दे रखे हैं। अब जब मैंने इसको आपको बताया है कि अभी जब भी डेरिवेटिव करना है तो हमें कैसे करना है, पहले फर्स्ट रो का, फिर सेकंड रो का, फिर थर्ड रो का करना है डेरिवेटिव। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, बट इसमें एक ट्रिक लग जाएगी, आपको समझाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव किया एक्स का, फर्स्ट डेरिवेटिव में मेरे पास क्या आ जाएगा, पहली रो का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और नीचे वाली रोज ऐसी रहेंगी, है ना। और यहां पे हमें बोला है कि पी इज कॉन्स्टेंट, तो हमें कोई मैटर नहीं करता, पी है, पी स्क्वायर है, पी क्यूब है, ओके। और सेकेंड रो भी कॉन्स्टेंट है अपनी सारी। तो देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव पे एफ डेरिवेटिव ये आया और
सेकेंड रो मेरी 0 0 0 हो जाएगी बिकॉज कॉन्स्टेंट थे, ऐसे ही थर्ड रो भी मेरी 0 0 0 हो जाएगी बिकॉज पी कॉन्स्टेंट है। तो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद सिर्फ ये बचा, तो अब मैं इसी का सेकेंड डेरिवेटिव करूंगा। अब सेकेंड डेरिवेटिव भी फिर फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो है ना, तो इसमें भी फर्स्ट रो और सेकेंड रो नेक्स्ट डेरिवेटिव्स में 0 हो जाएंगी बिकॉज वो कॉन्स्टेंट थी। तो ऊपर वाली का सिर्फ डेरिवेटिव करते हैं, 6x cos x का फिर से क्या होता है sin x, और माइनस sin x का क्या हो जाएगा माइनस cos x, माइनस ऑफ cos x। नीचे वाली रोज ऐसी ही रहेंगी, नेक्स्ट में 0 0 हो जाएगा बिकॉज सेकेंड रो विल बी 0 एंड थर्ड रो विल बी 0 इन द थर्ड वन, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव के बाद आया। अब थर्ड डेरिवेटिव के बाद मेरे पास फाइनल आंसर क्या बनता है, मेरे पास 6 बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा cos x और यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा sin x, ठीक है। तो यहाँ पे और नीचे क्या आएगा 6 cos x sin x, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स थी वही रह जाएंगी फर्स्ट वाले में बिकॉज मैंने तो रो 1 का किया है डेरिवेटिव। तो यहाँ पे 6 माइनस 1 एंड 0 एंड यहाँ पे मेरे पास क्या था पी पी स्क्वायर एंड पी क्यूब था है ना। तो अब मेरे को उन्होंने क्या बोला है कि ट्रिपल डेरिवेटिव आपको दे रखा है कि 0 है, तो ऑप्शन अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट 0 बोला है उन्होंने फाइंड करने को। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा ट्रिपल डेरिवेटिव, अब कॉस एट 0 1 साइन एट 0 0, तो इसको यहां पे करके एक्सपेंड कर लूं मैं कॉलम 3 पे 0 0 और ये रह जाएगा प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये क्या आएगा मेरे पास 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6 और प्लस 6, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा बेसिकली, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0। तो इतना ईजी था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर फंक्शन एफ एक्स एक्स मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल, तो इसकी दो कंडीशंस बनेंगी, अगर एक्स लेस देन जीरो हुआ तो ये अंदर वाला माइनस एक्स होगा, तो ये मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इसका इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे मैं अगर एक्स लेस देन जीरो है तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मॉड फंक्शन है बेसिकली निकालना है तो माइनस लगाना पड़ेगा। अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना, तो क्या आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर आएगा सिंपल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ राइट हैंड लिमिट निकाल लें इसकी। अब तुम सोचोगे कि माइनस टू एक्स क्या बनेगा सर, सिंपली करके तुम बोलोगे नहीं 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 हो पाएगा, बट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो वो मेरे पास क्या बनी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, तो वो माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, तो माइनस एक्स आई जो कि मेरे पास जीरो है ना, बिकॉज एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, एच लेके करते थे बेसिकली वहां से भी जीरो ही आएगा। और राइट हैंड लिमिट करोगे तो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, तो फिर से वो एक्स स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन एक्स, फिर से एक्स है जो फिर से जीरो है। तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो रही है कि नहीं हो रही है, तो हर जगह ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अपना एक्स क्या चलेगा कंटिन्यूअस ही रहेगा, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अगर कंटिन्यूअस है तो सो इज इट्स डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल कहाँ रहेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। और बेसिकली अगर इसका सोचो वी डी यू भी करके देखे तो मॉड एक्स वन बाय मॉड एक्स होता है ना, वन बाय एक्स इंटू फिर एक्स का, तो एक्स बाय एक्स यहाँ से वन कटता है, अगर हम वी डी यू प्लस यू डी वी भी करके चलें तो वहाँ पे भी मेरे पास अपॉन में जीरो की कोई आशंका नहीं, तो जीरो पे भी डिफरेंशिएबल होता है। तो इस चीज़ को ऐसे लॉजिक से करना था, बट कई जने बी ऑप्शन करेंगे, बट नहीं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्रॉस चेक कर लो। और बेसिकली डिफरेंशिएबल में हम डिफरेंशिएशन करके देखते हैं ना कि डिफरेंशिएशन में नॉट इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा है, तो एक्स मॉड एक्स की जब डिफरेंशिएशन तुम करोगे तो एक्स अपॉन एक्स प्लस मॉड एक्स, तो कहीं पे भी वन प्लस मॉड एक्स, तो ये तो अपॉन में जीरो का कोई फंडा ही नहीं रहा। तो चलो इसका सिंपल क्वेश्चन है ट्रिक, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, जब भी इनवर्स फंक्शन हो देख लो अंदर वो किस एक्स की वैल्यू किस पे अपने पास जीरो बनता है, एक्स कॉस एक्स कॉस पाई इज इक्वल टू जीरो होता है या नहीं होता है क्या, सॉरी या तो एफ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू पाई, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ एक्स बी एक्स माइनस मॉड एक्स देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट
एक्स बिलोंगिंग टू आर कंटिन्यूस फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर, तो इनमें से क्या होगा? गिव इट अ थॉट. देखो मॉड एक्स वाला जी, इसको ले लो तुम जी एक्स और इसको ले लो तुम एच एक्स, तो जी एक्स माइनस एच एक्स है. बेसिकली हमें पता है जब हम कंटिन्यूस तो होता है बट डिफरेंशिएशन करेंगे जब डिफरेंशिएबल, तो ये मॉड एक्स फंक्शन है. एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कभी भी मॉड एक्स फंक्शन, अकेला मॉड एक्स दिया था पिछले क्वेश्चन में, एक्स इंटू मॉड एक्स था तो वो एक्स एक्स कैंसिल हो रहा था हमारा डिफरेंशिएट करके, बट ये फिर वन माइनस वन बाय मॉड एक्स इंटू वन, तो अगर यहाँ पे जीरो आ गया नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना फंक्शन. तो कंटिन्यूस फॉर एक्स और फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो इस लॉजिक से भी हम कर सकते हैं. देखो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के तो एक ब्यूटी ये है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो देख के निकल जाते हैं लॉजिक से ही, पेन पेपर उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट आई प्रेफर कि तुम लोग उठा लो. अच्छा देव बड़ा क्वेश्चन आ गया है, फंक्शन दिया है, फंक्शन अच्छे से लिख लेते हैं. लेट एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल. अब देखो डिफरेंशिएबल उसने बोल दिया है, मतलब डेरिवेटिव और लिमिट एग्जिस्ट करती है और कंटिन्यूस है, ठीक है. तो फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई. अब कोई चीज़ मत पे ध्यान मत दो, सिर्फ ये देखो एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई. उसने बोला है इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई. अब क्या मैं जानता हूँ कि ये टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है? तो इस चीज़ को, इस पूरे इक्वेशन को मैं कुछ ऐसी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई. तो क्या ये एफ एक्स को जब कंपेयर किया तो ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स बेसिकली विद सम वैल्यू ऑफ ए टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा. अकेला सीधा हम टेन इनवर्स एक्स नहीं लिख सकते, उसके साथ कोई कॉन्स्टेंट मे बी ए की वैल्यू वन ही हो, तो टेन इनवर्स एक्स तो मेरे पास आ जाएगा. तो अब देखते हैं इसकी कि ए की वैल्यू ढूंढते हैं. अब मेरे को उसने क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि एफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हेन एक्स टेंडिंग टू जीरो वन बाई थ्री. तो यही चीज़ हम करके देख लेते हैं, लिमिट लगाएं जब इसके ऊपर, तो लिमिट ऑफ ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, तो ये मेरे पास ए व्हेन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन इनवर्स बाय एक्स इज अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री दिया है. तो ये होता है हमारे पास वन व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू एक्स इज टेंडिंग टू जीरो. तो ए की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाती है वन बाई थ्री, तो मेरे पास ए की वैल्यू वन बाई थ्री आ गई, तो एफ एफ एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स मेरे पास आ जाएगा वन ऑफ वन बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स. तो अब मैं फिर से इसकी वैल्यू ढूंढ लूँगा एफ ऑफ वन, जब एफ की वैल्यू वन होगी जो क्वेश्चन में पूछा है, तो एफ एट वन इज इक्वल टू वन बाई थ्री टेन इनवर्स वन. टेन इनवर्स वन क्या होता है? पाई बाय फोर होता है, तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय फोर. तो मेरे पास सिंपल आंसर आ गया पाई बाय ट्वेल्व इज द करेक्ट ऑप्शन. तो देखें अगर है या नहीं है, तो यस बी पाई बाय ट्वेल्व इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एफ एक्स दिया है वन माइनस थ्री एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, देन एफ इज कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट, कंटिन्यूस फ्रॉम इज कंटिन्यूस इज राइट कंटिन्यूस हैज़ रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी. तो चेक करते हैं अभी, अगर एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट से चलते हैं एक्सटेंडिंग टू जीरो फ्रॉम द नेगेटिव साइड वन माइनस थ्री एक्स बेसिकली एक्स माइनस एच, एक्स को जीरो माइनस एच करके चलो एच टेंडिंग टू जीरो, तो मेरे पास वन ही आता है अगर एक्स की मैं जीरो वैल्यू पुट करूँ. जीरो पे मेरे पास थ्री आ रहा है, यहाँ पे दिया है ग्रेटर देन जीरो पे, फिर यहाँ पे जीरो लेके फिर से थ्री आ रहा है, तो मतलब राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो को मैच करती है, मतलब राइट साइड से तो कॉन्टिन्यूस है बट लेफ्ट साइड से नहीं है, तो एफ एक्स इज राइट कॉन्टिन्यूस. अगर लेफ्ट हैंड भी करता, अगर राइट से नहीं मैच करती लेफ्ट से करती, तो एफ एक्स लेफ्ट कॉन्टिन्यूस, और अगर दोनों साइड से करती तो एफ इज कॉन्टिन्यूस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ एक्स बी मॉड ऑफ साइन एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू जीरो से टू पाई. अब देखो तुम बोलोगे सर इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल कितने पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल. अब देखो जब भी हम एक ग्राफ बनाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी मेरा ग्राफ कहीं नहीं टूटा तो इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस है, चाहे मैं शार्प एजेस भी बना दूँ
बट मेरा ग्राफ तो कॉन्टिन्यूस है। बट हमने पढ़ा है डिफरेंशियबिलिटी में कि शार्प है जिस पे कभी भी ग्राफ कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियबल नहीं होता। तो अगर हम इसी लॉजिक से साइन मॉड साइन एक्स का बनाएं, तो मेरे को तो पता है वैसे, चलो पहले सिर्फ साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो साइन एक्स 0 से π/2 पे पूरी वैल्यू, और यहाँ पे पाई आ गया, और पाई से लेके 2π तक नेगेटिव। बट अब यहाँ पे मॉड लग गया है, तो मॉड लग गया इसका मतलब पाई से लेके 2π पे भी मेरे पास क्या आएगा, पाई से लेके 2π भी मेरे पास ऊपर वाली वैल्यू ही आएगी। तो यहाँ पे इसने एक शार्प टर्न ले लिया ना ऊपर को दोबारा, तो कितने शार्प एजिस हो गए, ये 0 था, ये 2π था। तो अब यहाँ पे बस शार्प एज काउंट करो, एक पहला, एक दूसरा, एक तीसरा। तो 3 पॉइंट्स पे जो कि 0, π और 2π, जहां जहां पे साइन की वैल्यू 0 होती है वहां पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स, बट ग्राफ कहीं पे नहीं टूट रहा, तो इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो ये दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इसमें आपका एक लिमिट का बेसिक रूल लगता है, जो उसका एक फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला क्या है, इट इज 1 प्लस व्हेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एंड 1 प्लस x की पावर 1/x दी हो तो इट इज इक्वल टू ई, और अगर 1 माइनस x की पावर -1/x दी हो तो इट इज इक्वल टू ई की पावर -1। तो ये दो फंडे हमने याद रखने। अब इसको देखो, हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखते हैं पहले, टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स 1/x, ये गिवन है, 10 π/4 प्लस एक्स है, ये फॉर्मूला है। तो ये मेरे पास 1 प्लस tan x, टेन ए प्लस बी है, तो ये टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस tan a tan b हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस पूरी चीज़ को, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, tan π/4 प्लस टेन एक्स, तो π/4 को 1 लिख लिया सीधा, 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan 4 into tan x, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 माइनस tan x आ गया मेरे पास, ऊपर में मेरे पास आ गया 1/x। अब मेरे को पता है यहाँ पे tan x है, उसमें मेरे पास अकेला x दिया होता था या -x, तो यहाँ पे मैं इसको कुछ ऐसा करूँ कि यहाँ पे इसको tan x से मल्टीप्लाई और tan x से डिवाइड कर दूँ इसकी पावर, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको पहले मैं अरेंज कर लेता हूं, तो ये मेरे पास 1 प्लस tan x 1/x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस tan x, बेसिकली उसकी पावर को मैंने इन्वर्स कर दिया, -1/x। अब tan x से मल्टीप्लाई, tan x से डिवाइड, tan x से मल्टीप्लाई, पावर को tan x से ही डिवाइड, तो 1 प्लस tan x की पावर tan x 1/tan x, तो मेरे पास आ गया ना 1 प्लस x की पावर 1/x। अब इसको 1/x था और ऊपर एक tan x भी आएगा, ताकि वो कैंसिल आउट कर जाए, हमारी इक्वेशन यही रहे। और सिमिलरली इसी साइड 1 माइनस tan x -1/tan x की होल पावर tan x बाय एक्स। तो अब देखो ये चीज, टेन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो टेन एक्स बाय एक्स एंड एक्स इज टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे मुझे ये क्या वैल्यू देता है, ये मेरे को इसका मैं 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, सीकेंट स्केयर एक्स अपॉन 1, सीकेंट स्केयर एट 0 इज 1, तो ये मेरे पास पूरी लिमिट 1 आ जाएगी, और वहां पे मेरे पास यहाँ पे पूरी लिमिट -1 आ जाएगी। तो ये मेरे पास अब क्या बना, 1 प्लस tan x अपॉन 1/x, तो ये मेरे पास e बन गया, और वो मेरे पास प्लस उधर क्या बना, मेरे पास मल्टीप्लाई में था, तो वो e की पावर -1, तो ये e इंटू 1 बाय e की पावर -1, तो ये ऊपर जाके e स्केयर दे देगी। तो मेरे पास लिमिट अगर कंटिन्यूअस है तो ई स्केयर उसका आंसर आएगा। अब मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने,
कि के की वैल्यू क्या आएगी ना अगर लिमिट कंटिन्यूअस है, अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया, तो के की वैल्यू जब लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट एग्जिस्ट पे हमने बता दिया कि उसका आंसर ई स्क्वायर आता है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, इफ एफ एक्स एक्स स्क्वायर एक्स द सेट ऑफ वैल्यूज वेयर एक्स इज 3 times डिफरेंशिएबल इज, क्या बोला है बेसिकली, एफ एक्स आपको दे दिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू मॉड एक्स, देन द सेट ऑफ वैल्यूज वेयर एफ एक्स इज 3 times ट्रिपल डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर है यहां पे मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स का अगर हम मॉड एक्स खोलें वेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे मेरे पास माइनस एक्स क्यूब आएगा, सॉरी प्लस एक्स क्यूब, वेन इट इज लेस देन जीरो तो माइनस एक्स क्यूब। तो हमने जैसे 2 derivative में किया था ऊपर, उसी हिसाब से ये भी डिफरेंशिएबल होगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। बेसिकली जब भी आपके पास एक्स मॉड एक्स के साथ एक एक्स लग जाए ना, तो वो डिफरेंशिएबल होता है, तो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जहां पे ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट एफ एक्स बी माइनस थ्री एक्स एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड एक्स इज लेस देन 0, तो अपने पास -3 आ रहा है, और जब एक्स ग्रेटर देन 0 है तो और 3 से स्मॉलर है तो एक्स स्क्वायर -3 आ रहा है। तो वो हमसे पूछा क्या है, नाउ दे आर सेइंग एट एक्स इज इक्वल टू 0 जी एक्स इज कंटिन्यूअस बट डिफरेंशिएबल एंड जी एक्स इज कंटिन्यूअस। अब देखो जी एक्स इज बोला है आपको, जी एक्स इज रूट ऑफ एफ एक्स एंड एफ सॉरी मॉड ऑफ एफ एक्स एंड एफ मॉड एक्स, तो हमें पता है मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस तो हर जगह होता है, कॉन्टिन्यूस तो मॉडुलस फंक्शन हर जगह होगा, तो एफ एक्स ये वाला भी और ये वाला दोनों जगह कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे। बट अब इसको देखो, यहां पे हमें एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है -3 और यहां पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस, तो अगर मैं यहां पे √3 लूं एक्स की वैल्यू तो ये 0 हो जाएगा ना, और अगर मैं इसको +3 भी लूँ तो भी 0 होता है, तो √3 पे तो ये मॉडुलस फंक्शन जब 1/f जाएगा तो √3 के ऊपर नीचे 1/0 दे देगा मेरे को, और ये भी मेरे को 1/0 दे देगा √3 के लिए, बिकॉज यहाँ पे 3² - x √3² - 3 हुआ, तो 3 - 3 0 हो गया। तो हमें पता है कॉन्टिन्यूस तो हर जगह होता है मॉड फंक्शन, है ना, बट डिफरेंशिएबल वहाँ पे नहीं होंगे जहां पे उसकी वैल्यू 0 आती होवे। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, एट एक्स इज इक्वल टू 0 जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस, एक्स इज इक्वल टू 0 जी एक्स कॉन्टिन्यूस होगा बिकॉज ये दोनों इंडिविजुअली कॉन्टिन्यूस हैं पूरी नंबर लाइन पे, एज वेल एज डिफरेंशिएबल। बट जी एक्स इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू √3, तो दिस इज द ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एट 0 डिफरेंशिएबल है बट √3 पे कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, बिकॉज √3 पे हमें पता है मॉडुलस फंक्शन है, वो नीचे में मॉड जाता है बेसिकली, तो जब नीचे में 0 आ गया तो डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हमें नॉट डिफाइंड नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए एट x इज इक्वल टू √3 जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। देखो उसने तुम्हें कन्फ्यूज कैसे कर दिया, सिर्फ ये वाला ऑप्शन दे दिया, तुमने ये देख के जल्दी से टिक मार देना है, बट इस 0 को भी नोटिस करो, क्या 0 पे मैं कॉन्टिन्यूस बता सकता हूँ, हाँ मॉड फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस होता है,